हेलो एवरीवन, मैं एकता, मैं सुरेंद्र। आज हम आपको IPHI की तरफ से CPR के बारे में बताएं। CPR का मतलब है कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन। हम इस प्रोसीजर को करते टाइम पे हमें ये याद रखना है कि आसपास का एनवायरनमेंट सीन जो होना चाहिए वो सेफ होना चाहिए। हमें अपनी लाइफ को डेंजर में नहीं डालना है किसी को भी रिवाइव करने के लिए। अब सीन सेफ्टी में हम ये देखेंगे कि या तो विक्टिम किसी ऐसी डेंजरस सिचुएशन में है या हम ऐसी सिचुएशन में उसको बचाने के लिए जा रहे हैं, तो हमें ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसके बाद हमें ये देखना है कि पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा है, तो वो हमें बाय टैपिंग द शोल्डर्स, हेलो सर, हेलो मैम, आर यू लिसनिंग टू मी, ऐसे हमें पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करना है। अगर उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो हमें किसी भी नंबर पे 911 पे कॉल फॉर हेल्प या किसी अदर पर्सन को हेल्प के लिए बुलाना है। उसके बाद हमें उनका कैरोटिड पल्स चेक करना है फॉर सर्कुलेशन। अगर कैरोटिड पल्स है तो हमें रेस्पिरेशन चेक करना है। अगर रेस्पिरेशन नहीं है तो हमें उनका माउथ में एयरवे क्लियरेंस देखेंगे। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है या कुछ अंदर फंस तो नहीं गया जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। अगर ऐसा कोई सिचुएशन है नेजल एयरवे में या ओरल एयरवे में तो वो हमें क्लियर करना है। वो चीज़ हम पोजीशन देकर या फिर अपने फिंगर्स को इंसर्ट करके हम कुछ भी अंदर चीज़ जो अटकी हुई है उसको बाहर निकाल सकते हैं। देन सेकेंड कंडीशन आती है CPR में जिसमें कैरोटिड और कैरोटिड पल्स नहीं होती है और आपका रेस्पिरेशन भी नहीं होगा। वो जब आप चेक करते हैं ये दोनों, तो आपको समझना है कि ये कार्डिक अरेस्ट है। उस टाइम पे आपको अपने डोमिनेंट हैंड को पेशेंट के मीडियास्टर्नल स्पेस पे रखना है ताकि आप कंप्रेशंस दे सकें। कंप्रेशंस देने के टाइम पे आपकी एल्बो बेंड नहीं होनी चाहिए, आपके हैंड स्ट्रेट होने चाहिए। दूसरे हैंड से आपकी फिंगर्स जो हैं इंटरलेस्ड होनी चाहिए। आपको काउंट जो करना है वो लाउडली काउंट करना है, दैट इज़ 1 से 30 तक। आपकी काउंटिंग रैपिड और फास्ट होनी चाहिए। आपको चेस्ट को पुश हार्ड एंड पुश फास्ट हार्ड वाली कैपेसिटी से चलाना है। देन आप जब भी पुश करेंगे तो आपको डेप्थ का ध्यान रखना है कि इसकी डेप्थ एडल्ट्स में 2 इंच होनी चाहिए। ओवर प्रेशर नहीं देना है जिससे कि रिब्स क्रैक ना हो जाए। अगर आप जब डेमोन्स्ट्रेशन देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 कंप्रेशंस के बाद आपको 2 रेस्क्यू ब्रीथ देनी है। अगर आपके पास एम्बु मास्क अवेलेबल है तो आप उससे देंगे, नहीं तो आप माउथ टू माउथ वेंटिलेशन में जा सकते हैं या फिर माउथ टू नोज वेंटिलेशन दे सकते हैं। तो रेस्क्यू ब्रीथ देने का मतलब है कि आप ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो हार्ट तक पहुंचा रहे हैं ताकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का कंटेंट ब्रेन तक जाता रहे और पेशेंट रिवाइव करने की कंडीशन में आ सके। ये वन साइकिल आप कंप्लीट करने के बाद आपको दोबारा से कैरोटिड चेक करनी है ताकि पल्स का पता करना है, वेदर फंक्शनिंग है नहीं है, और रेस्पिरेशन चेक करना है। इफ इट इज़ वर्किंग दैट मीन्स आपका पेशेंट रिवाइव कर गया है। अगर ये वर्किंग नहीं है, अगर आपको पल्स फील नहीं होगी, रेस्पिरेशन फील नहीं होगी, तो आपको दोबारा से साइकिल्स रिपीट करनी है। दैट इज 30:2 का कंप्रेशन। आपको 1 मिनट में 100 से 120 कंप्रेशंस देने हैं और रेस्क्यू ब्रीदिंग उसके अकॉर्डिंगली देनी है। आपको हमेशा ध्यान रखना है पेशेंट के रिस्पॉन्स के बारे में, कैरोटिड पल्स के बारे में एंड रेस्पिरेशन के बारे में। आपको CPR तब तक कंटिन्यू करना है जब तक हायर मेडिकल फैसिलिटी नहीं आ जाती है या फिर आपकी कोई और डॉक्टर या कोई और स्पेशलिस्ट नहीं आ जाता है या एम्बुलेंस अराइव नहीं होगी। थर्ड कंडीशन है या फिर आप एग्जॉस्ट ना हो जाएं। जब अगर आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे तब आप CPR स्टॉप कर सकते हैं। लर्न इट बिकॉज योर 5 मिनट कॉन्सेंट्रेशन कैन सेव अ लाइफ।